अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके लिए खुशखबरी है, खुश हो जाइए। आपकी ये चीज़ें अलाउंसेस अभी बढ़ चुका है और आपको मिलेगा, अगर आप ऐसे जगह पे पोस्टेड है यानी सीआई ऑफिस में, आपको 15,000 से 20,000 के आपके सैलरी में हाइक मिलेगा। अगर आप सियाचिन में पोस्टेड है आपको 30 से 40,000। अगर आप नॉर्मल पोस्टिंग आपकी पीस एरिया में है तो आपको 8,000 से लेकर 10,000 तक की फ़ायदा मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आपका जो डीए है 50% कर दिया गया है तो कौन कौन से अलाउंसेस, चाहे वो एचआरए हो, टीपीटीएल हो, आपकी डीए हो, चाहे आपकी बेसिक पे हो, सब में बात करेंगे कितना कितना परसेंट बढ़ेगा और आपके कितना बनेगा। लेकिन उससे पहले हमें बैकअप द स्टोरी जाना पड़ेगा और बैकअप द स्टोरी से हमें शुरू करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, स्टोरी शुरू होता है 7 पे कमीशन से। जब 7 पे कमीशन आया था तब ये रूल रेगुलेशन आया था कि 8 पे कमीशन नहीं आएगा। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है जिसमें जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आई रिपीट, जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिर्फ मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि एक सेंट्रली काम करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस क्यों ना हो, उसके बेनिफिट्स उसको भी मिलता है। तो वहाँ पर ये बोला गया था, तो 8 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन नहीं आएगा। तो क्या होगा, बोला जब भी डीए आपकी 50% बढ़ जाता है, जब भी आपकी डीए 50% हो जाता है, आपकी डीए मर्ज हो जाएगा आपकी बेसिक पे में और डीए आपका शुरू हो जाएगा 0% से। उसके साथ आपकी जो एचआर है यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, पीपीटीएल यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, उसके बाद ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो आपको हाइक देखने के लिए मिलेगा। चाहे अगर आप सीआई ऑफिस में पोस्टिंग है उस अलाउंसेस पे, मान लीजिए मेरा अलाउंसेस, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, 20,000 है, तो यहाँ पर मुझे 25% का इंक्रीमेंट देखने मिलेगा और जो कि अगले महीना पेमेंट में अभी आने वाला है। तो आपकी 4% अभी डीए बढ़ा दिया गया है, आपके पहले 46 था जो अभी 50 हो गया। इसके बारे में आपको क्या चेंजमेंट देखने मिलेगा और कितने आपकी बढ़ा है सारी चीज़ों में, उस बारे में मैं बताऊंगा। तो चलते हैं ऑफिशियली पीडीएफ देखते हैं एक बार। तो मैं उन सभी जो अलाउंसेस है उनको सारे का जो ऑफिशियली पीडीएफ जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको किया है कि आपका ये चीज़ें बढ़ चुका है, आप अभी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी बेसिक पे यहाँ पर 30,000 है, मान के चलते एक जवान का बेसिक पे अभी 30,000 है, तो यहाँ पर आपकी जो डीए बनता था 50% यानी 15,000, ये आपकी इसमें ऐड हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से आपकी बेसिक पे जो आएगा वो आएगा 45,000 रुपीज़, यानी अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई 1 तारीख को जो पेमेंट आएगा आपका मई 01 में, ये 45,000 का। यहाँ पर मई से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि इम्प्लीमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसकी पार्ट टू ऑर्डर्स होंगे, पार्ट टू ऑर्डर फिर जाएंगे, जाने के बाद आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आप लोग को भी पता है अगर आप सर्विंग सोल्जर्स है। तो यहाँ पर 45,000 से स्टार्टिंग होगा और आपका डीए हो जाएगा 0%। अभी आप बोलोगे सर ये तो क्या फ़ायदा हुआ, फिर पहले तो 30 था और 45,000 हो गया मेरा, ठीक है, तो इसमें क्या फ़ायदा। देखिए, फ़ायदा आपको इनमें मिलेगा, किसमें, जैसे डीए आपका 0 से लेकर 4% हो गया, 8% हो गया, ठीक है, अगले जैसे डीए बढ़ता रहेगा, हर साल डीए कितने 2 बार बढ़ता है, तो वहाँ पर आपको ये 45,000 के ऊपर डीए मिलेगा, 5%, 4%, 8% जितना भी बढ़ता है, तो वो काफ़ी बढ़िया अमाउंट में आपको मिलेगा। साथ में इस महीने से आपकी क्या क्या चीज़ें बढ़ा है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहले है एरोनॉटिकल अलाउंसेस, हम उसी अलाउंसेस के बात करेंगे जिसमें हम लेते हैं या हम उसमें रिलेटेड है, फालतू के अलाउंसेस में हम बात करेंगे नहीं। एक नंबर एरोनॉटिकल अलाउंसेस, यहाँ पर अगर 675 जो एयरफोर्स में नौकरी करते हैं आपका पर मंथ था, आपको 25% अभी इंक्रीज कर दिया गया है, आपका 843.75 पर मंथ आपको अभी मिलेगा। उसके बाद एनुअल अलाउंसेस छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, ये कौन सी अलाउंसेस होता है, जो आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी बच्चे 3 साल से ज़्यादा हो गए वो सीए लेते हैं, और उन सीए में आपको यहाँ पर 2250 पर मंथ मिलता था और हॉस्टल सब्सिडी मिलता था 6750 पर मंथ। यहाँ पर 25% उसको राइज कर दिया गया, यानी 25% आपके बढ़ा दिया गया है, तो सीईए आपको अभी मिलेगा 2812 × 12 कर लो अभी, ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई लिए, अगर मैं 3000 लेके चलूँगा उसको, तो बाकी 36,000 से आप काट दो तो पहले 27,000 मिलता था आपको, तो यहाँ पर आपका कम से कम 33,000 के आसपास, मतलब कितना बढ़ गया, 6,000 के आसपास आपको प्रॉफिट। यानी उसके बाद जो आपका हॉस्टल सब्सिडी था 6750, इसको बढ़ा के 8437.50 है, ये आपकी पेमेंट में अभी इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कन्वेंस अलाउंसेस, डेपुटेशन ड्यूटी, मतलब आप कहीं डेपुटेशन बेसिस पे, एआरई बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर 4500 एट सेम स्टेशन
अगर आप सेम स्टेशन यानी एक कैंटोनमेंट में काम करें तो 4500 रुपये मिलता था और 9000 मिलता था आउटसाइड, आपकी कैंटोनमेंट छोड़ के अलग स्टेशन में जाके यानी अलग जगह पे जाके डेपुटेशन बेसिस पे काम करते थे। तो यहाँ पर 25% राइज कर दिया, इसको कर दिया 5625 फॉर सेम स्टेशन और 11250 रुपया फॉर आउटसाइड स्टेशन। ठीक है, उसके बाद ये डिटेचमेंट अलाउंसेस, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस छोड़िए, लैंग्वेज, पोस्ट ग्रेजुएट, स्प्लिट ड्यूटी, ये है HPCA / PCA यानी ये जो आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस वगैरह है, यहाँ पर R1H3 में आपको 5300 पर लेवल पे मिलता था यहाँ पर, और इसको 25% राइज करके 6625 यानी अगर आप R1H3 उसमें आते थे, जैसे R1H1 होता है, R1H2 होता है, R1H3, ये क्या होता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, जहाँ पर थोड़ा डेंजर खतरा होता था, अगर आपके पहले आप R1H3 एरिया में रहते थे, 5300 आपका था वहाँ पर 6625 और जो 4100 पे थे उनको 5.25 को बढ़ोतरी कर दिया गया है। अभी आ गया हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस जैसे आपको पता है HRA मिलता है सिटी वाइज, यानी XYZ सिटी, X को मिलता है 27, Y को मिलता है 18 और 9 मिलता है Z सिटी को। और अगर आप सर्विंग सोल्जर है आपको पता होगा आपका क्या उस जगह का आपका क्या बेसिक पे सॉरी क्या आपका HRA मिल रहा है। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया है, जो 27 था यानी जो एक सिटी का था, 27 एक सिटी को बोलते हैं, 18Y 9 को Z, तो 27 को इसको कर दिया 3% इंक्रीज कर दिया, तो 30% अभी कर दिया यानी 45,000 का अगर उस बंदे का पकड़ेंगे तो यहाँ पर 3% का आपका तीस परसेंट आपको HRA मिलेगा। उसके बाद अगर आप Y सिटी में हैं तो आपको 20% और Z सिटी में आपको 10% का आपको यहाँ पर देखने मिलेगा आपकी HRA अगले महीने से आपकी अलाउंसेस में। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो रिलेटेड फॉर डिफेंस, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, यू कैन जॉइन आर्मी सर ऑफिशियल, आपको लिंक मिल जाएगा चैनल की बायो में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वालिफिकेशन अलाउंसेस, उसके बाद क्वालिफिकेशन पे ये सारे छोड़ देते हैं, ये सभी के लिए नहीं होता, इसलिए मैं उनके उसी पॉइंट्स को बात कर रहा हूँ जिन दिनों में हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, और ये जो PDF है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, उससे डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, उसके बाद TA का अलाउंसेस आ गया, TA ऑन ट्रांसफ़र होते हो वहाँ पर, जैसे आप ट्रांसफ़र होते हो ना, यहाँ पर देखिए जैसे आपकी पोस्टिंग आता है, मान लीजिए आप उड़ीसा में हैं, यहाँ से आप ट्रांसफ़र हो गए दिल्ली आ गए, तो वहाँ पर क्या 12-50 पर किलोमीटर मिलता था वहाँ पर, तो उसको बढ़ा दिया गया है यहाँ पर 15 से लेकर 62.5 किलोमीटर यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मेसिंग अलाउंसेस, हाँ मेसिंग अलाउंसेस आ गया यहाँ पर। मेसिंग अलाउंसेस में अगर आप मेस में खाना खाते हैं तो 300 पर डे आपको मिलता था। ठीक है, 300 पर डे पहले मिलता था आपको, यहाँ पर 25% और बढ़ा दिया गया है, तो 375 पर डे अभी आपको मिलेगा। तो 30 महीने का आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप बहुत से खाते हो तो ये तो नहीं मिलता, अगर नहीं खाते हो तो आपको ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और भी दिया है पार्लियामेंट असिस्टेंट अलाउंसेस, स्पेशलिस्ट अलाउंसेस, ठीक है, वुमेन विद डिसेबिलिटी, ड्रेस अलाउंस के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। हमें ड्रेस अलाउंसेस हर साल में एक बार मिलता है, जिसमें 10,000 ओवर्स और JCO को और 20,000 मिलता है ऑफिसर्स को। तो यहाँ पर ड्रेस अलाउंसेस 5,000 से लेकर 20,000 के ऊपर वेरी करता है, जो कि अभी बढ़ा दिया गया है 6250 और 25,000 अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको 25,000, अगर आप जवान हैं तो आपको 13,000 के आसपास अभी आपको मिल जाएगा ड्रेस अलाउंसेस। ठीक है, कंपोजिशन पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंसेस, जिसको हाइजीन अलाउंस भी बढ़ते हैं, तो इसका 158 से लेके 450 था पहले, इसको बढ़ा के 197.5 और 562 तक कर दिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी अलाउंसेस, अगर आप TA बैटालियन में काम करते थे तो 1,000 से लेके 2,000 आपको TA के अलाउंसेस मिलता था, जो कि अभी बढ़ा के 25% 1,250 से 2,500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें रिस्क गैंग हार्डशिप अलाउंसेस R3H2 लेवल 9 पे 3400 का अलाउंस था, ये वही है रिस्क जिसका पोस्टिंग आपका जम्मू एंड कश्मीर ऐसे जहां पर खतरे के जगह पे होता है उसको बोलते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस फॉर ट्रैक मेंटेनेंस, और लेवल 8 पे था 2700 पर मंथ, इसको बढ़ा दिया गया है R3H2 में 4250 लेवल 9 में और लेवल 8 में 3375 आपका कर दिया गया है। स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंसेस 5000 पर मंथ था स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स का, यहाँ पर बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो ट्रेन कंट्रोलर्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो भी इन्हीं में ही आते हैं, तो इनका 25% बढ़ा दिया गया है, तो 6250 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंसेस सियाचिन, ऐसा आपने सुना होगा
सियाच इन ग्लेशियर, वहाँ पर अलाउंसेस मैंने बोला था आपका लेवल 9 में था 42,500 था और लेवल 8 पे 30,000 पर मंथ मिलता था, उसको 25% में बढ़ा दिया गया है। अभी मिलेगा आपको 53,125 लेवल 9 में और 37,500 मिलेगा आपको पर मंथ लेवल 8 में। यहाँ पर फ्लाइंग अलाउंसेस मेरकोस, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे स्पेशल फोर्सेस का अलाउंसेस था 17,300 और 25,000, दोनों अलग अलग कैटेगरी में आते थे, तो यहाँ पर R1 H1 लेवल को बढ़ा दिया गया। जिसका 25,000 मिलता था SAP अलाउंसेस उसको 31,250 और जिसका 17,300 मिलता था उसको मिलेगा अभी 21,625। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आ गया हाई एक्टिव फील्ड एरिया CIOps अलाउंसेस इन फील्ड। CIOps होता है जहाँ पर हाईली मिलिटेंट पाया जाता है और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके काम करते हैं, वहाँ पर पहले R1 H2 जहाँ पर 16,900 रुपया मिलता था वहाँ पर मिलेगा अभी 21,125 21,125 और लेवल 8 में 9,700 मिलता था आपको, राइज होगा 25% लेवल 8 पे आपको मिलेगा, जिसका 9,700 था उसका 12,125 मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपका बेसिक पे वहाँ पर मर्ज भी हो गया, इन अलाउंसेस में आपको कम से कम देखने मिलेगा अगर आप नॉर्मल एरिया में भी काम करें 7,000 से 8,000 और जैसे आपने रिस्क वगैरह स्पेशल फोर्स में काम करें तो 15,000 से 20,000 आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा अगले 1-2 महीने में। ठीक है, यहाँ पर 39 में टेस्ट पायलट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंसेस यहाँ पर 5,300 और 4,100 लेवल पर था। अगर आप लेवल 9 पे आते थे तो 6,625 और लेवल 8 पे आते थे तो 5,125 आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर दिया है फील्ड एरिया अलाउंसेस CIOps, पीस एरियाज सी गोइंग अलाउंसेस, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंसेस, फ्री फॉल जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंसेस, पैरा अलाउंसेस। जो भी पैरा अलाउंसेस था पहले R2 H2 में आते थे और लेवल इनका था 9, क्या था लेवल 9 था और इनका जो है लेवल 10,500 था और लेवल 8 में 6,000 पर मंथ मिलता था, इसको 25% बढ़ा दिया गया है। पैरा का R2 H2 में 13,125 मिलेगा 10,000 के जगह और 7,500 मिलेगा 6,000 के जगह। ठीक है, तो यहाँ पर और हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस कैटेगरी 2 में, जैसे सियाचिन वगैरह कैटेगरी 1 में आता है, यहाँ पर कैटेगरी 2 में आता है। तो कैटेगरी 2 में अगर आपका लेवल 9 लेवल 8 में 5,300 4,100 यहाँ पर 25% बढ़ाया है, R3 H1 में आपका आएगा 6,625 और 5,125, मतलब 1,000 का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये था और यहाँ पर और दिया कैटेगरी 1 का भी सेम बढ़ाया है 25%। यहाँ पर लास्ट में दिया है 43 में टफ अलाउंसेस, कुकिंग अलाउंसेस, हार्डलिंग मनी, हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंसेस, स्पेशल LC गेट अलाउंसेस, सबमरीन टेक्निकल अलाउंसेस, हाइड्रोग्राफी सर्वे अलाउंसेस, यहाँ पर 1200 और 1000 रुपया था जिसको 1500 और 1250 कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर अदर बेनिफिट आपको मिलेगा सेलिंग ऑफ ग्रेचुएटी 2,000,000 मैक्सिमम था, राइज कर दिया 25% और 2,500,000 मैक्सिमम आपको मिलेगा। कंसोलिडेट पैकेज पर रेगुलेटरी बॉडीज 4.5 लाख, PM फॉर चेयरपर्सन 4 लाख, PM ऑफ मेंबर्स यहां पर राइज 25%, 5.62 लाख PM फॉर चेयरपर्सन और 5 लाख PM फॉर मेंबर्स। आपको ये लग रहा होगा इतनी सैलरी बढ़ा दिया तो कहां से मतलब कैसे करेंगे। देखिए सैलरी इतनी बढ़ा इस पे फोकस मत करिए, अभी 2026 में आपकी ये जो चीज़ें जैसे DA 50% हो गया तो अगले जब जाके DA 50% होगा तब जाके यहाँ पर होगा। अगर हम DA को कैलकुलेट करेंगे ना, हर साल 4% DA अगर हम लेके चलेंगे बढ़ता है तो देखिए 4 साल में अगर कितना 10 साल लग जाएंगे 40% होने के लिए। ठीक है, तो कभी 3 बढ़ता है कभी 4 बढ़ता है तो 10 साल तो लग ही जाता है 50% होने में। तो 10 साल के बाद आपकी अलाउंसेस फिर बढ़ेगा, ये अभी ये 10 साल के लिए आपका फिक्स हो गया, मतलब 50% तक फिक्स हो गया। वो कितने साल में होगा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन वहाँ तक आपकी ये सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। फर्दर आपकी सिर्फ बेसिक पे में जो आपको 3% आपका इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे में 2% शायद, और आपकी जो DA वो 2 बार इंक्रीमेंट होगा और कोई चीज़ अलाउंसेस बढ़ेगा नहीं, तो बाकी चीज़ें ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आप अपने बेसिक पे मुझे शेयर करना चाहते हैं करिए, आप बेसिक पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कितना पेमेंट बनेगा, कितने पेमेंट आपके बढ़ चुका है, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।